हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। कैसे हो सारे लोग? आपने रेशियो का पहले चैप्टर देखा होगा, उसमें सिर्फ मैंने रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अब प्रोपोर्शन देखते हैं और फिर बाद में जब एक बार प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम रेशियो और प्रोपोर्शन को कंबाइन करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें प्रपोजन भी मैं इंग्लिश में ही अभी बताऊंगी। क्वेश्चंस जब सॉल्व करवाऊंगी तो उन क्वेश्चंस को मैं हिंदी में सॉल्व करवाऊंगी, मतलब हिंदी के क्वेश्चंस डालूंगी और उसे फिर सॉल्व करवाऊंगी। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड बाई 20% अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट अर्लियर, फाइंड रियल टाइम टू रीच ऑफिस। ओके, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। अच्छा, अब आप ये बताना, डिस्टेंस निकालने का रहे हैं ना, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ओके, पहले भी मैंने बताया था कि सपोज कि डिस्टेंस इसका कांस्टेंट रह जाता है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, स्पीड में फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बताओ, स्पीड में अगर फ़र्क पड़ रहा है तो टाइम, स्पीड बराबर ये बराबर है तो स्पीड बराबर 1/टाइम हो जाएगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब स्पीड हम देखते हैं, स्पीड पहले 100 था, बाद में 120 हो गया, यानी इसका रेशियो 5:6 हो गया। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 6:5 हो जाएगा ये टाइम। यहाँ तक का कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आगे भी क्वेश्चन में मैं ये चीज़ बताऊंगी तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताओ कि 6:5 हो गया इसका टाइम। अब क्या कह रहा है कि 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, 10 मिनट पहले यानी 1 यूनिट, 6 और 5 में कितने का फ़र्क आ गया? 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर 10 मिनट है, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 10 मिनट है। तो आप ये बताओ कि पहले, अगर पहले वो जाता यानी 6 यूनिट में उसे कितना टाइम लग जाता? 10, यानी 60 मिनट का टाइम लग जाता। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते, फाइंड द रियल टाइम कह रहा है, यानी कि हो गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, इसमें है कि इफ़ अ पर्सन ट्रैवल विथ 6/7 स्पीड ऑफ रियल स्पीड देन ही रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट लेटर। ओके, फाइंड रियल टाइम। यहाँ भी हम देखेंगे स्पीड बराबर क्या हो जाए, सॉरी, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो बराबर है ना, ऑफिस का डिस्टेंस बराबर है, स्पीड में फ़र्क पड़ रहा है तो स्पीड का टाइम क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है। तो जब टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पीड आप देख रहे हो रियल स्पीड का 6/7, रियल स्पीड देख लो, जैसे ऐसे करते हैं, रियल स्पीड मान लो 7 था, रियल स्पीड अगर 7 था तो 7 का 6/7 कितना हो गया? 6 हो गया, यानी स्पीड का जो रेशियो है वो रेशियो 7:6 हो जाएगा। ओके, जब 7:6 स्पीड का है तो टाइम का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, यानी 6:7 हो जाएगा, यानी दोनों में फ़र्क कितने का पड़ गया? 1 यूनिट का पड़ गया फ़र्क, 1 यूनिट का। अब कह रहा है कि ही रीचेज ऑफिस 10 मिनट लेटर, 1 यूनिट बराबर 10 मिनट हो गया, तो फाइंड रियल टाइम टू रीच हिज ऑफिस, यानी कि रियल टाइम क्या होगा? तो रियल टाइम तो यही 6 है ना, ये तो बाद वाला टाइम है। रियल टाइम जब 6 है तो 6 यूनिट बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा ये लगेगा उसे जाने में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अ मैन ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रैवल करता है, रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट लेट। अगर 30 मिनट के स्पीड से चलता है तो क्या होता है? वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। यहाँ देखिए, 5 मिनट लेट पहुंचता है। एंड इफ ही ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है
तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, क्वेश्चन जब भी हो ना, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करो, आधा सॉल्यूशन तो हमें उस क्वेश्चन में ही मिल जाता है, ठीक है। तो आप अब आप देखो कि पहला क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑफिस निकालना है, और दूसरा टाइम रियल टाइम टू रीच हिज ऑफिस, यानी रियल वास्तविक समय उससे कितना लगता है। अच्छा फ्रेंड्स आप ये बताओ, डिस्टेंस तो यहाँ भी कॉन्स्टेंट रहेगा, स्पीड में या टाइम में फ़र्क आता है तो डिस्टेंस तो बराबर है ना, ठीक है, डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड और टाइम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ओके, एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। अब देखो आप, स्पीड है 3:4, 30 और 40 है ना, तो 3:4, तो टाइम कितना लग जाएगा, 4:3 लग जाएगा। अच्छा आप लोग ये समझ तो पा रहे हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, आई थिंक समझ पा रहे होगे। अभी देखो ना आप लोग, जैसे 4:5 कर दिए तो हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है, 3 × 4 स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस 12, यहाँ से भी 4 × 3 करेंगे तो डिस्टेंस 12, यानी दोनों बराबर आ गया, यही कांस्टेंट का मतलब होता है। तो आप अब आप यहाँ पर देखिए कि टाइम हो गया 4:3। अच्छा ये बताइए, पहले वाले स्पीड से जब ये जाता था तो क्या होता था, 5 मिनट लेट पहुँचता था, ओके, और बाद वाले स्पीड से जाता है तो क्या होता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है ना, यानी डिफरेंस कितना हो गया, 15 मिनट का हो गया, एक यूनिट टाइम में एक यूनिट का डिफरेंस बराबर हो गया 15 मिनट, तो 4 यूनिट रियल स्पीड, रियल टाइम अगर कह ले तो 4 यूनिट बराबर 60 मिनट हो गया। एक क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया 60 मिनट, यानी 1 घंटा। अब डिस्टेंस निकालना है, ओके, डिस्टेंस अब निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप 60 मिनट यानी कि 1 आवर कह लो, अगर 1 घंटा लगता है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 × यानी कि स्पीड इंटू टाइम, तो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया इसमें, सॉरी 3 में बोल दी, स्पीड 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड है और टाइम उसे कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, यानी कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन एंड अ डॉग स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हाउस टू फील्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकेंड 15 मीटर/सेकेंड। आप यहाँ देखो क्या कर रहा है, मैन है और डॉग है ना, मैन 10 मीटर/सेकेंड की रफ्तार से दौड़ना स्टार्ट करता है और डॉग 15 किलोमीटर/सेकेंड। आफ्टर रीचिंग फील्ड डॉग रिटर्न बैक, फील्ड में पहुँचने के बाद क्या करता है, कुत्ता वापस आता है, एंड मीट विद अ मैन, एंड आफ्टर मीटिंग विद मैन उस आदमी से मिलता है, इट स्टार्टेड रनिंग बैक टुवर्ड्स फील्ड, उस आदमी से मिला, रास्ते में मिलेगा उस आदमी से क्योंकि आदमी का स्पीड कम है, रास्ते में मिला और मिलने के बाद वो फिर से फील्ड की तरफ भाग जाता है, ठीक है, और फिर वो वापस आता है, फिर भाग जाता है, ऐसे करता है वो, यानी जब तक कि वो आदमी फील्ड तक नहीं पहुँच पाता कुत्ता वही काम करता है, आता है आदमी से मिलता है फिर वापस चला जाता है, फिर आता है आदमी से मिलता है फिर चला जाता है, और ऐसे करके वो फिर जब तक कि आदमी वो फील्ड तक नहीं पहुंच पाता वो ऐसे ही करता है। इफ़ डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू फील्ड, अगर घर से लेकर के फील्ड तक का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है तो कुत्ते ने कितना दूरी तय किया, क्योंकि कुत्ता तो आ जा रहा है ना, आ जा रहा है तो कुत्ता तो डिस्टेंस ज़्यादा तय करेगा, तो कितना कुत्ते ने कितना दूरी तय किया ये चीज़ निकालना है, ओके। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ भी सेम हो गया, डिस्टेंस सेम तो स्पीड और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ क्या सेम हो गया, टाइमिंग, टाइम सेम हो गया ना, एक ही टाइम में आ रहा है एक ही टाइम में जा रहा है, मतलब नहीं समझे आप, अगर कुत्ता जाकर रुक जाता
और फिर आदमी जाता, वो भी रुक जाता, ऐसा होता है तब तो डिस्टेंस बराबर हो गया, लेकिन अभी कुत्ता आया फिर गया, यानी कुत्ता तो ज़्यादा दूरी चल लिया, तो डिस्टेंस तो सेम है नहीं, स्पीड सेम है, और टाइम सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों एक बार ही रुक रहा है, फाइनल जब रुक रहा है तो एक बार ही रुक रहा है, मतलब टाइम कांस्टेंट है। तो आप देखो, जब ये टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम और स्पीड है, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड 10 और 15 यानी 2:3 है स्पीड, तो डिस्टेंस में इनका 2:3 हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? यहाँ क्या है, मैन है और यहाँ डॉग है। अच्छा आप ये बताओ, आदमी का डिस्टेंस 2 यूनिट है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर वो कितना चला है, 6 किलोमीटर है ना। जब 2 यूनिट बराबर 6 किलोमीटर, तो 3 यूनिट जो कि कुत्ते का डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। कितना ईजी है ना, इस रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चंस बनाना बहुत ईजी होता है। जब मैं पढ़ाई किया करती थी, मैं भी एग्ज़ाम में इसी मेथड से बनाया करती थी, सॉल्व किया करती थी क्वेश्चंस को। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है कि अ थीव स्टार्टेड रनिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 मिनट, यानी कोई चोर है जो 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ना स्टार्ट करता है, और उसके 5 मिनट बाद यानी आफ्टर 5 मिनट अ पुलिस स्टार्टेड चेजिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर प्रति सेकेंड, और 5 मिनट बाद पुलिस उसका पीछा करना स्टार्ट करती है 15 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, देन एट वॉट डिस्टेंस एंड वॉट टाइम पुलिस विल कैच थीफ। तो आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें स्पीड दे दिया है, ठीक है, डिस्टेंस क्योंकि एक ही जगह पर रुकेगा, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना, एक ही जगह पर रुकेगा ना तो कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। अब टाइम में फ़र्क आएगा, तो टाइम निकालना है कि टाइम पुलिस ने कितना लगाया। अच्छा ये बताओ, स्पीड 10 और 15 है चोर और पुलिस का, तो इनका अनुपात यानी रेशियो 2:3 हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। 3:2 जब हो जाएगा टाइम, तो एक यूनिट दोनों के बीच का डिफरेंस है, और यही एक यूनिट तो 5 मिनट है, जो 5 मिनट बाद आपका चोर स्टार्ट करता है, वो यही तो 5 मिनट है ना। तो जब ये 5 मिनट है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिनट। अब देखो आप, 10 मिनट हो गया, या मीटर प्रति सेकंड में दिया है ना, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो 10 × 60 यानी कि 600 हो गया, कोई दिक्कत, यानी 600 सेकंड हो गया। आगे हम देखते हैं कि 600 सेकंड हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना पुलिस के द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया वो कितना होगा, किसी के द्वारा भी वैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं। तो आप देखो, 15 का स्पीड और गुने 15 मीटर पर सेकंड है ना, गुना टाइम 600, तो टोटल कितना निकल जाएगा, 9000 मीटर यानी कि 9 किलोमीटर, ये क्या निकल गया इसका डिस्टेंस। एट व्हाट टाइम पुलिस विल कैच थीफ, पुलिस कितने टाइम में थीफ को पकड़ेगी, तो वो तो निकल ही गया है इतना सेकंड, ओके। आगे हम देखेंगे, अ मैन बाउट अ टीवी 10,000, यानी एक आदमी एक टीवी और एक रेडियो 10,000 में खरीदता है, एंड सेल टीवी एट 4% प्रॉफिट, और टीवी को 4% प्रॉफिट पर और रेडियो को 6% प्रॉफिट पर बेच देता है, ठीक है। देन ही गेट्स सेम प्रॉफिट इन बोथ, तो उसे क्या होता है, दोनों में बराबर प्रॉफिट मिलता है, तो टीवी का कॉस्ट निकालें। अच्छा आप ये बताओ,
प्रॉफिट बराबर होता क्या है? प्रॉफिट बराबर होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रयमूल गुना परसेंट प्रॉफिट। लॉस बराबर क्या होता है? क्रयमूल गुना परसेंट लॉस, यही तो होता है। अच्छा, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। प्रोपोर्शन का भी आप यूज़ तभी कर सकते हो जब ये फॉर्मूला ध्यान में हो, क्योंकि तभी तो आप निकालोगे किसी एक को कांस्टेंट करके दूसरे का रेशियो। हाँ जी, अब ध्यान में रखना क्या है, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट हम लिख लेते हैं टीवी का और रेडियो का। टीवी का 4% है, रेडियो का 6%। तो इसका रेशियो निकालेंगे, 2:3 हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो कांस्टेंट है, कहाँ से कांस्टेंट है, सेम प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कांस्टेंट है। तो इसका क्रयमूल जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा, वो 3:2 हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये बताओ, क्या कह रहा है कि 10,000 में दोनों खरीदता है ना, यानी कि दोनों का क्रयमूल 3 जोड़ 2 5 यूनिट बराबर 10,000। तो 3 यानी टीवी को 6,000 में ख़रीदा और रेडियो को कितने में ख़रीदा, 4,000 में ख़रीदा, हो गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बाउट अ टीवी एंड अ रेडियो इन 10,000 एंड सेल्स टीवी एट 4% प्रॉफिट, रेडियो एट 6% लॉस, देन ही गेट्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। सेम है, सेम ही है, हाँ, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होगा, अभी तो फॉर्मूला आपको बता दिया, लॉस या प्रॉफिट बराबर क्या होता है, क्रयमूल गुना परसेंट लॉस या प्रॉफिट। लॉस या प्रॉफिट क्या है, 4% है आपके टीवी पर और 6% है रेडियो पर, यानी 2:3। तो कॉस्ट प्राइस 3:2 हो जाएगा। 5 बराबर इतना दिया है, तो टीवी और रेडियो का आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया, ये बिल्कुल सेम रह जाएगा। प्रॉफिट दिया रहे, लॉस दिया रहे, यही तो फ़ायदा है इसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यही फ़ायदा है। ऐसे ही हम बनाते हैं, हमें वो ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सम मिल्क कंटेंस 30% वाटर, ओके, इफ 10 लीटर वाटर इज एडेड इन मिल्क, देन परसेंट मिल्क इन फाइनल मिल्क बिकम 40%, फाइंड इनिशियल वेट ऑफ मिल्क। ये क्वेश्चन हमने रेशियो में भी देख लिया है और इसके पहले परसेंटेज बताया था जब चैप्टर, उसमें भी देखा था, पर फर्क होगा इस परसेंटेज में जो बताया था उसमें और अभी जो बता रही हूँ इसके सॉल्यूशन में फ़र्क होगा। और वो भी इजी था जो परसेंटेज मैंने बताया था आपको, और इसे देखोगे तो आप समझोगे कि कितना ही इजी तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन का अप्लाई करके हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या है कि दूध है, दूध में 30% पानी है, 10 लीटर पानी और मिलाने पर जो होगा फाइनल जो दूध होगा उसमें क्या होगा, दूध की मात्रा, सॉरी हाँ, दूध की मात्रा जो होगा वो 40% हो जाएगा, ओके। तो फाइंड इनिशियल वेट ऑफ मिल्क, मिल्क का जो स्टार्टिंग का वजन था वो निकालना है। अच्छा, आप ये बताओ, बिल्कुल आप कहोगे कि मैडम ये तो यहाँ पर आपने सेम रूल लगा दिया। हाँ बिल्कुल, हम सेम रूल लगाएंगे जैसे हम प्रॉफिट लॉस में लगाए थे कॉस्ट प्राइस पर, वैसे ही हम पानी में भी लगाएंगे। पानी का मात्रा निकालना कह रहा है ना, पानी बराबर हो जाएगा टोटल वजन दूध का गुना परसेंट वाटर, कितना परसेंट वाटर है, बिल्कुल सेम है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो कर देते हो वही सेम है यहाँ पर। आप ये बताओ, या देखो प्योर मिल्क की बात हम करते हैं तो टोटल वेट गुना परसेंट मिल्क, ये भी प्योर मिल्क की बात हो जाएगी, चाहे पानी के साथ आप निकाल लो चाहे दूध के साथ निकाल लो। अब बताओ, हम दोनों के साथ अलग अलग करके निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर दूध की प्रतिशत दिया हुआ है तो पानी का निकल जाएगा। अच्छा, हम दूध पर निकालते हैं। अब आप ये बताओ कि दूध का मात्रा,
दूध का मात्रा जब वहाँ दिया हुआ है कि 30% पानी है, तो मिल्क कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। अब फाइनल में कह रहा है कि 40% भाई आपका पानी हो गया, तो दूध का मात्रा कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। यानी दूध की मात्रा अगर 7:6 है, ठीक है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? टोटल वजन 6:7 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि आपने पानी क्यों नहीं लिया? पानी हमने ऐड किया है ना, वाटर ऐड किया है, तो ये कांस्टेंट वाटर जब ऐड किया है हमने, तो उस चीज़ को हम कैसे ले सकते हैं इसमें, ठीक है? तो आप ये बताओ टोटल वेट। हाँ जी, अब एक यूनिट बराबर जो वाटर है उसका एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? एक यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 10 लीटर, क्योंकि 10 लीटर पानी हमने ऐड किया, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 60 लीटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आगे हम इस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम हाउ मैनी केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट हैविंग 90% ऑफ वाटर, 5 केजी ऑफ ड्राई फ्रूट हैविंग 60% ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म। मतलब कह रहा है कि कितना केजी फ्रेश फ्रूट से जिसमें 90% पानी हो, 5 केजी ड्राई फ्रूट्स बनाया जा सकता है जिसमें 60% जो है वो पानी हो। नहीं समझे? मतलब कहने का ये है, जैसे हम अंगूर से किशमिश बनाते हैं, है ना, तो अंगूर का तो बस अंगूर का जो उसमें पानी का मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है, वो जब सूखता है तो किशमिश बनता है, तो किशमिश का मात्रा कम हो जाता है। तो कितने केजी अंगूर से हम 5 केजी किशमिश बना सकते हैं, जहाँ अंगूर में 90% पानी हो और किशमिश में 60% पानी हो? बस बात तो यही कह रहा है। तो फिर पहले वाला ही रूल लगाएंगे, क्या था? प्योर मटेरियल, जो पानी के अलावा जो पार्ट बचा वो मटेरियल, तो प्योर मटेरियल बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वजन उसका गुना परसेंट मटेरियल, कितना परसेंट मटेरियल है। अच्छा, परसेंट मटेरियल दिया हुआ है ना, एक में 90% पानी का मतलब 10% हो गया मटेरियल, और एक में 60% पानी का मतलब 40 मटेरियल हो गया, ठीक है। यानी कि 1:4 दिया हुआ है उसे मटेरियल, तो मटेरियल जब इतना हो गया तो मटेरियल तो बिल्कुल सेम रहना है। आप देखो ना, मटेरियल तो सेम रह रहा है ना, मटेरियल तो हम कहीं से मिला नहीं रहे, पानी को उड़ा रहे हैं हम, है ना। तो जब ये कांस्टेंट है तो टोटल वेट और मटेरियल दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वो मटेरियल परसेंट मटेरियल अगर 1:4 है, तो टोटल जो उसका हो जाएगा वजन वो 4:1 हो जाएगा, ओके। अच्छा, आप ये बताओ, 4 और 1 दोनों मिलाकर, यानी 5 यूनिट मिलाकर, यहाँ देखो आप क्या कह रहा है, सॉरी, जो है कि 5 केजी ड्राई फ्रूट, तो आप ये बताओ कि इसमें ड्राई जो मटेरियल हो गया, एक हो गया टोटल वेट उसका, तो एक हो गया ना ड्राई का, फ्रेश में अगर 4 है तो ड्राई में 1 हो गया, 1 यूनिट बराबर 5 केजी दिया है, तो ये 4 यूनिट जो है, 4 यूनिट बराबर 20 केजी हो जाएगा। यानी 20 केजी जो होगा फ्रेश फ्रूट से हम कितना 5 केजी ड्राई फ्रूट्स बना सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम 40 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट हैविंग 90% वाटर, हाउ मैनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन फॉर्म्ड हैविंग 20% वाटर। अच्छा, आप ये बताओ यहाँ पर क्या कह दिया, इसका सेम चीज़, मटेरियल तो सेम है, तो मटेरियल बराबर टोटल वजन और गुना परसेंट मटेरियल, ओके। हमारा मटेरियल जो है वो तो सेम ही है ना ड्राई फ्रूट्स बनाने में, ठीक है, यानी कि मटेरियल और जो इसका वेट है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मटेरियल का आप देखिए, तो क्या मटेरियल में कह रहा है कि 90% पानी का मतलब 10% मटेरियल हो जाएगा,
और आगे में 20% पानी का मतलब 80% मटेरियल हो जाएगा। मटेरियल यानी ड्राई फ्रूट्स उसे कह सकते हैं। तो दोनों का अनुपात 1:8 हो जाएगा। तो उसका वजन का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि फ्रॉम 40 kg फ्रेश फ्रूट, तो फ्रेश फ्रूट कितना है, 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर अगर 40 kg है तो 1 यूनिट बराबर 5 kg है, यानी 40 kg से हम 5 kg ड्राई फ्रूट्स बना सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, आगे है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10% सॉल्ट इफ 2 kg वाटर एडेड इन सॉल्यूशन। 2 kg क्या, एक कोई सॉल्यूशन है, हम कह लेते हैं अगर कि नमक और पानी का घोल है, ठीक है। तो क्या है कि 10% अगर सॉल्ट है, ठीक है, अगर हम 2 kg पानी मिलाते हैं तो उसमें परसेंट सॉल्ट जो है वो 5 kg हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल वेट क्या था सॉल्यूशन का, तो सेम चीज़, सॉल्ट बराबर हो जाएगा टोटल वजन और गुना परसेंट सॉल्ट, है ना, ये बिल्कुल सेम चीज़। अब आप बताइए कि हम क्या मिला रहे हैं, इसमें इसमें हम क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, यानी कि सॉल्ट जो है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट है, सॉल्ट उतना ही है ना, परसेंट घट बढ़ सकता है पर सॉल्ट तो कांस्टेंट है। सॉल्ट कांस्टेंट होने का मतलब है कि टोटल वेट और परसेंट सॉल्ट ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखिए कि पहले 10% सॉल्ट था, फिर कितना हो गया, 5% हो गया, यानी 2:1 हो गया। तो इसका वजन क्या हो जाएगा, वजन इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो वजन 1:2 हो जाएगा। ये एक, यानी दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट बराबर दिया हुआ है 2 kg, 2 kg वाटर ऐड कर रहा है ना, यानी 1 यूनिट बराबर 2 kg दिया हुआ है। तो क्या है, फाइंड इनिशियल वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का इनिशियल वेट निकालना है। तो इनिशियल वेट 1+2 यानी 3 kg ना, तो कितना हो जाएगा इनिशियल वेट, 3×2 यानी कि 6 kg वजन हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट। आगे क्वेश्चन है कि सम मिल्क कंटेन्स 30% वाटर, ओके, वाटर कितना है 30%, एंड इफ 10 लीटर प्योर मिल्क एडेड। यहाँ क्या हो रहा है, दूध मिलाया जा रहा है, प्योर मिल्क इज एडेड इन मिल्क, दूध में जब दूध मिलाया जा रहा है, प्योर दूध मिलाया जा रहा है, तो परसेंट वाटर इन फाइनल मिल्क बिकम्स 25%, ओके। तो फाइंड इनिशियल वेट ऑफ मिल्क। अच्छा आप ये बताइए, मिलाया क्या जा रहा है, दूध, ठीक है, तो दूध को हम फिर साइड कर लेते हैं, हम यहाँ वाटर से निकालते हैं, वाटर बराबर हो जाएगा टोटल वेट गुना परसेंट वाटर। अच्छा आप ये बताइए, दूध मिलाया जा रहा है ना, यानी वाटर कांस्टेंट है, जब वाटर कांस्टेंट है तो टोटल वेट और परसेंट वाटर एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। पहले 30% पानी था और बाद में 25 हो जाता है, यानी 6:5 के अनुपात में हो जाता है, ओके। जब ये 6:5 के अनुपात में हो जाता है तो टोटल वजन इसका 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। अब वजन में जो फ़र्क है वो 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट बराबर 10 लीटर प्योर मिल्क, 10 लीटर। तो क्या कह रहा है, फाइंड इनिशियल वेट ऑफ मिल्क, इनिशियल वेट ऑफ मिल्क कह रहा है ना, तो इनिशियल वेट क्या था, 5, पहले तो 5 ही था ना, तो इनिशियल वेट जब 5 था तो 5 यूनिट बराबर 50 लीटर हो जाएगा। कोई डाउट, ओके। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर, यानी चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि करने पर कोई आदमी अपना खर्च कितना कम करे जिससे कि एक्सपेंडिचर में फ़र्क ना पड़े। अच्छा ये क्वेश्चन याद करना आप, मैंने आपको परसेंटेज वाले में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर टोटल खर्च बराबर उसका मूल्य और गुना परसेंट कंजप्शन। कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये बताइए कि अगर एक्सपेंडिचर सेम रह जाए, का मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे का इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना।
अच्छा आप ये बताइए, हम प्राइस लिख देते हैं पहले 100, तो बाद में 25% बढ़ता है यानी 125 हो जाएगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा इसका प्राइस। तो कंजप्शन, परसेंट कंजप्शन कितना हो जाएगा? 5:4, इनवर्स प्रोपोर्शनल भाई, 5:4 हो जाएगा, है ना। अब है कि कितना कम करना चाहिए, कितना परसेंट कम करना चाहिए, अमाउंट नहीं बोल रहा है, कितना परसेंट कम करना चाहिए। तो अब देखिए, तो यहाँ कितना कम हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, यानी 1 यूनिट कम हो रहा है। कितना से कम हो रहा है, तो 5 से कम हो रहा है, तो 1/5। और आपको मैंने परसेंटेज के स्टार्टिंग में बताया था, तो परसेंट निकालना, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 20% हो गया जवाब। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीजेस बाई बी 20,000 एंड एट सेम टाइम टैक्स रेट डिक्रीजेस 12% टू 10%, देयर फोर हिज नेट टैक्स रिमेन्स सेम, फाइंड हिज इनिशियल इनकम। कह रहा है कि किसी इंसान का इनकम जो है वो 20,000 बढ़ जाता है, और उसी समय उसका, सॉरी फ्रेंड्स, उसी समय उसका टैक्स रेट जो है वो 12% से 10% हो जाता है। तो ये निकालना है कि उसका जो नेट टैक्स है, ठीक है, उसका 12% से 10% हो जाता है, और उसका जो नेट टैक्स है वो बराबर रह जाता है, यानी टैक्स कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट। फाइंड हिज इनिशियल इनकम, ओके। अच्छा, उसमें कंडीशन दिया जा रहा है कि नो इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, 20% इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और 50,000 यानी 50,000 इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जैसे अभी आता है ना, इनकम टैक्स स्लैब क्या है, 2,50,000 एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, वही चीज़ की। तो आप ये बताओ, टैक्स बराबर टैक्सेबल इनकम और गुना परसेंट टैक्स। आप ध्यान देना, मैंने अभी तक में सिर्फ यही वाले फॉर्मूला का यूज़ किया है, ऐसा नहीं है प्रपोजल में आपको बहुत फॉर्मूला याद करना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा ध्यान से देखना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप ये कहिए, टैक्स क्या है, पहले वाले में क्या है, टैक्स कांस्टेंट, परसेंट टैक्स क्या है, 6:5, है ना। तो इनकम क्या हो जाएगा, 5:6, ओके। इनकम अगर 5:6 हो जाएगा, इनिशियल इनकम निकालना है। ये देखिए, 1 बढ़ा और 1 यूनिट बराबर 20,000 है, तो ये 5 यूनिट बराबर 1 लाख हो जाएगा, यानी कि अगर कोई टैक्स एग्जम्प्ट नहीं था तब के सेंस में इसका जवाब 1 लाख हो जाएगा, ओके। अगला देखते हैं कि 20% अगर एग्जम्प्टेड हो, ओके, 20% एग्जम्प्टेड हो, तो आप ये बताओ कि टैक्स कितने पर लगेगा। टैक्सेबल इनकम अगर 100 टोटल है, तो टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, 80। इसलिए टोटल, एक टोटल मैंने नहीं आपको बोला, टैक्सेबल इनकम बोला, तो टैक्सेबल इनकम 80 हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, टैक्स तो कांस्टेंट है, टैक्स बराबर है, टैक्स टैक्स जब कांस्टेंट है, तो आप ये बताइए परसेंट टैक्स जो है, ठीक है, टैक्स भी कांस्टेंट टर्म है और 80/100 भी कांस्टेंट टर्म है, ये तो बढ़ घट नहीं सकता ना, कि फ्लैक्चुएट होता हो, नहीं हो सकता, यानी ये कांस्टेंट टर्म है। ऐसे भी आप ध्यान रखना, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर हो तो वो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो आप ये बताइए, टैक्स 6:5 है, 10, 12 से जो 10 हो रहा है, 6:5 है, तो इनकम 5:6 हो जाएगा, है ना। तो उससे अगर 1 यूनिट बराबर 20,000, तो 5 यूनिट बराबर 1 लाख हो जाएगा, तो यहाँ भी सेम हो गया। अब क्या हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, जब कह रहा है कि 50,000 अगर टैक्स फ्री है, यानी कि टैक्सेबल इनकम, इनकम माइनस 50,000, ठीक है, इनकम माइनस 50,000, तो टैक्स भी कांस्टेंट, 50,000 भी कांस्टेंट, तो सेम रूल अप्लाई करके, यानी कि इनकम माइनस 50,000 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी
सॉरी टैक्स बराबर हो जाएगा 6:5 के रेशियो में, तो इनकम माइनस 50,000 क्या हो जाएगा, इनकम माइनस 50,000 माइनस हो रहा है ना यहाँ पर, तो 5:6 हो जाएगा रेशियो, 1 यूनिट बराबर 20,000 तो 5 यूनिट बराबर 1,00,000। अच्छा ये तो हो गया इसका इनकम, लेकिन टोटल इनकम क्या हो जाएगा, 50,000 तो टैक्स फ्री है ना, तो 1,00,000 प्लस 50,000 यानी कि 1,50,000 हो जाएगा इसका इनकम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 12% सॉल्ट, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट परसेंट सॉल्ट इन फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स 8%। यानी सॉल्ट क्या है, सॉल्ट बराबर टोटल वेट और गुना परसेंट सॉल्ट, परसेंट सॉल्ट दिया है 12% पहले था, बाद में 8% हो जाते हैं 3:2 के अनुपात में, तो वजन कितना हो जाएगा 2:3 के अनुपात में। अगर एक बढ़ रहा है और 1 यूनिट बराबर हो गया, अगर सॉरी यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में आप देखिए, 2 लीटर सॉल्यूशन है ना, देखिए ये 2 यूनिट बराबर कह रहा है 2 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 1 लीटर हो जाएगा फाइनल, ठीक है, कितना ऐड हो रहा है, 1 ही यूनिट ऐड हो रहा है ना, तो 1 लीटर ऐड किया जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे टाइम में, हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, स्पेशली अभी प्रोपोर्शन मेथड में बताई थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी आपका हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अब जब हम आगे यूज़ करेंगे, जो आगे हम क्वेश्चंस बनाएंगे, कल जब मैं वीडियो डालूंगी या नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगी, तो उसमें रहेगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हर लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे और उसको मैं सॉल्व करूंगी। अच्छा वैसे कल मैं हिंदी में क्वेश्चंस को डालूंगी, इंग्लिश में अभी बता दिया, कल मैं हिंदी में क्वेश्चंस को डालूंगी और उसे सॉल्व करके मैं बताऊंगी, बिल्कुल फुली रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से ही मैं सॉल्व करूंगी, तो आप उसे ध्यान से देखना पढ़ना, और इस लेक्चर को भी आप ध्यान से देखना, जहाँ पर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना कि हाँ ये समझ में नहीं आया, मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन फिर से या तो अगली वीडियो में कर दूंगी, या उसके लिए स्पेशल वीडियो बना कर दूंगी, या फिर लिख कर दूंगी, कैसे भी कर दूंगी, पर उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगी, या फिर जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उसे बता दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप देखते रहो, कीप ऑन वॉचिंग, एंड इस लेक्चर में अगर कोई चीज़ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आया हो तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, अगर आपको ये लगता है कि ये बेनिफिशियल है, ये मेथड बेनिफिशियल है, तो आप प्लीज़ शेयर करना, जिससे कि आपके दोस्तों को, आपके पहचान वालों को भी फ़ायदा हो सके, और जैसा भी हो, जैसा भी आपको वीडियो लगे तो आप कमेंट ज़रूर करना। फिर इसके बाद सपोज़ कि आपको पसंद नहीं आए वीडियो, तो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आता हो तो आप डिसलाइक कर दो, लेकिन डिसलाइक करो तो रीज़न ज़रूर दे देना कि क्या इसमें पसंद नहीं आए, जिससे कि मैं अपने स्तर पर उस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर सकूँ। चलो फिर ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।